तो गाइस आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी चाहत एक्स वाई जेड में। दोस्तों इस साल ज़्यादा बारिश होने के कारण खेतों की फसल बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुकी है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखिए गाइस ये वाले खेत में पूरे खेतों में मक्का की बुनी हुई थी मक्के की, पर लेकिन देखो आपको एक भी पेड़ मक्का का नहीं दिखेगा क्योंकि ज़्यादा बारिश होने के कारण ये पूरी फसल पूरी बेकार हो चुकी है। और देखिए गाइस ये पूरी फसल पूरी नष्ट हो चुकी है ज़्यादा बारिश होने के कारण। मैं दिखाता हूँ आपको पानी का कितना तेज़ बहाव था। ये देखिए गाइस यहाँ से पूरा बंधान टूट चुका है और ये वाले खेत से भी पूरा पानी इसी वाले खेत में आ रहा है। तो ये वाली खेती में पूरा नुकसान हो चुका है गाइस। ये कम से कम 1 से 1.5 एकड़ का प्लाट है, पूरा बैठ चुकी है इसमें फसल ज़्यादा पानी होने के कारण। पहले खेतों में गाइस अभी खाद डल रही है, अभी खाद इसमें डलना चालू है और फिर इसकी सफाई होगी। इसमें भी दवा का प्रयोग किया गया है गाइस, पर लेकिन इसमें जो बारिश होने के कारण ये बारीक बारीक ये पौधा जो दिख रहे हैं ये वाला पौधा गाइस ये कभी भी किसी भी दवाई डालो आप, कोई भी दवाई डालो, पर लेकिन ये पौधा नहीं जाता जड़ से। ये फसल को बहुत नुकसान करता है गाइस ये वाला पौधा। ये जो पौधा दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये पौधा फसल को बहुत नुकसान करता है। इसको हमारी गांव की भाषा में बोलते हैं गाजर चारा, और एक इसको कहते हैं गोंदरा। ये जो है ना गाइस ये फसल को बहुत नुकसान करता है और इतना ज़्यादा होता है कि जो भी फसल लगाते हैं गाइस अपन, तो इसको आगे नहीं बढ़ने देता, पूरा जकड़ के रख लेता है ये। और ये वाला खेत देखो गाइस आप, पूरा 1 से 1.5 एकड़ है ये वाला पूरा, पर लेकिन पानी ज़्यादा होने के कारण इसमें भी फसल पूरी बैठ चुकी है। फसल अब ऊपर उठ ही नहीं रही है, पानी ज़्यादा होने के कारण फसल नीचे ही चली जा रही है। देखिए गाइस मैं अभी आपको एक पौधा दिखाता हूँ, इतने जो मक्का का है, पर लेकिन पानी ज़्यादा होने के कारण वो मक्का नीचे बैठते ही जा रहा है और पूरा लालपन आपको दिखता होगा, पूरा खेत में जो भी पेड़ है पूरे लाल लाल हो चुके हैं पानी ज़्यादा होने के कारण। मैं अभी आपको दिखाता हूँ एक पेड़। देखिए गाइस ये है वो पेड़ जो मैं आपको दिखाने के लिए बोल रहा था। ये देखिए पूरा पूरा लाल हो चुका है ये अब किसी काम का नहीं रहा, अब ये पूरा सूख जाएगा, बैठ जाएगा नीचे जाके। ऐसे ही गाइस ये देखो ये पूरे पूरे खेतों में ये जो फसल है ये पूरी लाल लाल हो चुकी है। इसके कारण गाइस खेती में ज़्यादा पानी होने के कारण ये समस्या ज़्यादा बनी है। ये देखिए गाइस ये पूरे पेड़ ही देखेंगे आपको, ये कम से कम 1 से 1.5 एकड़ का प्लाट है, पर ये पूरे खेतों में ज़्यादा पानी होने के कारण और ये दवाई भी डली है गाइस इसमें, तो ऐसे हो चुके हैं पूरे पेड़ ऐसे हो चुके हैं। उसके बाद से ये फिर से ये पानी गिर गया है तो फिर से ये उल जाएंगे। ये देखिए गाइस ये फिर से उल जाएंगे, ये सूख चुका है ये पेड़, सूखने के बाद पानी गिर गया है, पानी गिरने के बाद ये फिर से उग जाएगा। ये देखिए गाइस अभी ये वाला पेड़ इसमें देखिए नए पत्ती आने लगी है इसमें, ये देखिए नए पत्ती आने लगी है इसमें, तो ये ज़्यादा पानी होने के कारण से ये फिर से उलने लगे हैं ये पेड़, इनकी ग्रोथ फिर से चालू हो चुकी है। तो ये समस्या है गाइस खेतों की, ये समस्या होती है गाइस खेतों में। ये पूरे खेत की फसल पूरी बैठ चुकी है गाइस। इसमें दवा भी डाली गई थी गाइस, पर उसके बाद भी इसमें जो भी रान है इसमें कोई अंतर नहीं आया, हल्का हल्का सा रान जो है खत्म हो रहा है बारीक वाला, और वो बड़ा वाला रान जो है गाइस वो फिर से उगना स्टार्ट हो गया। अब इसकी दवाई का प्रयोग ना करके अब इसमें हाथों से निंदाई ही करवाएंगे। अभी मैं दिखाता हूँ गाइस आपको दूसरा खेत, उसमें भी वही ही कंडीशन है। ये देखिए गाइस ये वाले खेत में भी वही कंडीशन है, ज़्यादा पानी होने के कारण से ये फसल भी नीचे बैठ जाएगी धीरे धीरे करके। इसकी भी अभी सफाई चालू है,
निंदाई चालू है, इसमें भी दवाई का प्रयोग किया गया था, पर लेकिन इसमें भी पानी गिरने के कारण से वो दवाई छूट गई है। इसके कारण से इसमें भी कोई अंतर नहीं आया, इसकी अब हाथों से ही निंदाई होगी। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए गाइस, ये फिर से ये पेड़ जो है ना, ये फिर से लाल हो चुके हैं, मतलब ये अब धीरे धीरे करके नष्ट हो जाएंगे। ये पेड़ मक्के की जो फसल है वो धीरे धीरे करके पूरी बैठ जाएगी। मैं एक खेत और दिखा रहा हूँ गाइस, उसमें अभी सफाई चल रही है वाले खेत में जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना ज़्यादा रान लगा है, चारा जो भी है वो कितना ज़्यादा लगा है। पूरी छवई गई जब हर रुक आए, पिछले साल निंदाई नहीं भई थी है ना, एक कारण से जब बहुत ज्यादा हो गई जब आर। गाइज आज बहुत दिनों के बाद धूप निकली है आज, बस मौसम बस ऐसा ही बना रहे, बस पानी नहीं आना चाहिए, क्योंकि पानी आएगा तो फिर गाइस जो भी खाद डाल रहा है आदमी और जो भी दवाई ववाई का छिड़काव कर रहा है वो किसी काम की नहीं है गाइस। पानी आ गया तो फिर उसके बाद वो दवाई और जो भी खाद है वो बह जाती है, तो जो दवाई डालते हैं तो उसमें कोई अंतर नहीं आता। जैसे मैंने अभी दिखाया था आपको कि दवाई छूट जाने के कारण से तो ये भी जो भी चारा रहता है उससे उसके पत्तों से दवाई अगर छूट जाती है तो फिर वो चारा जो है ख़त्म नहीं होता है गाइस। दिखाता हूँ एक और खेत जिसकी भी वही कंडीशन है, जिसमें पूरा मक्का जो है लाल हो चुका है, ये बैठने की कगार पे है। ये देखिए गाइस, अभी इतनी इतनी जगह में ये इतनी जगह में ये कुछ भी मक्का नहीं है, ये इतनी जगह में जो है इसमें कुछ भी मक्का नहीं है। ये देखो है तो पेड़ तो है, लेकिन क्या है कि ये पेड़ पूरे गल चुके हैं पानी ज़्यादा होने के कारण से। ये देखिए ये पेड़ जो है ये पूरे गल चुके हैं, ये वाले पेड़ ये किसी काम के नहीं है गाइस, ये अब यहीं पर बैठ जाएंगे और उसके बाद यहाँ से ये वाली ज़मीन जो है पूरी बेकार हो चुकी होगी इस साल की फसल के लिए, ये किसी काम के पेड़ नहीं है गाइस। ये देखिए गाइस, मक्के की फसल और जो चारा ये एक ही साथ ग्रोथ कर रहा है गाइस, क्या करें, पानी ज़्यादा गिरने के कारण से यही कंडीशन होती है गाइस खेतों की। इंसान मेहनत तो करता है पर लेकिन कामयाब नहीं हो पाता है इसी कारण से, क्योंकि ये देखिए ये जो है ये मक्के का पौधा है ये वाला, और इसी के साथ ये देखिए गाइस ये एक चारा है, इसको कहते हैं हमारी गांव की भाषा में भर्रू। ये जो चारा है गाइस ये भी किसी कोई भी दवाई डालो आप तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, ये सिर्फ खेती को नुकसान करता है, बस खेती में नुकसान ही पहुंचाता है। और इसकी सफाई भी करते हैं गाइस, तो ये 2 से 3 बार मतलब ये अपनी 4 महीने की फसल है तो इसमें ये 2 से 3 बार जो है ये उगता है, अभी इसकी एक बार और सफाई कर दी जाएगी उसके बाद से ये फिर से उगेगा, फिर से उगने के बाद फिर सफाई होगी तो फिर उगेगा ये, इतना मतलब ख़तरनाक चारा है गाइस ये। गाइस ब्लॉग अच्छा लगता होगा तो आप लाइक करें सब्सक्राइब करें, चैनल में नए हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें। ये देखिए गाइस पूरे खेतों की यही कंडीशन है, पूरे खेतों में यही दिक्कत है कि पानी ज़्यादा हो चुका है और ये जो चारा है ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये वाली फसल देखिए गाइस, ये वाली फसल जो है इसको बोलते हैं रेजर वाली घाड़, ये मोटी घाड़ होती है, इसमें सिर्फ 2 ही लाइन लगती है, इसमें मक्के की सिर्फ 2 लाइन लगती है। ये देखिए जैसे कि ये 2 लाइन लगी है, ये 2 ही लाइन लगती है ये वाली घाड़ पे, पर यही फसल बस ठीक लग रही है गाइस मेरे को, क्योंकि ये ऊंची ऊंची घाड़ है ना इसकी, जिसके कारण से इसमें पानी ये वाली नालियों से पूरा पानी बहाकर नीचे निकल जाता है। तो जैसे कि अभी ये वाला खेत है गाइस, ये इसमें क्या है कि इसमें सैंपल घाड़ है, तो इसमें क्या हुआ कि पानी ज़्यादा होने के कारण इसमें पानी का बहाव नहीं होता है, तो जिससे पानी पूरा जैसे पानी धीरे धीरे गिरता है तो उसके कारण से पानी पूरा ज़मीन के अंदर चला जाता है, तो जिसके कारण से ये फसल जो है ये बैठ जाती है नीचे गाइस।
ये देखिए गाइस, खेतों से ऐसा ही पानी बह रहा है जिससे खेती नुकसान हो रही है। ये देखिए गाइस, ये देखिए, ये मैंने पैर रखा हूँ, ये पैर देखिए आपके, ये पूरे पैर मतलब ज़मीन के अंदर धंस रहे हैं। तो इसमें क्या फसल अपनी क्या ग्रोथ करेगी गाइस, वो तो नीचे ही बैठेगी ना। ये पानी जो है गाइस, ये पूरा ज़मीन पूरी मतलब पानी इतना वो हो गया है ज़्यादा कि ज़मीन से पानी नीचे से बहाने लगा है। मैं दिखाता हूँ आपको जो पानी अभी ज़मीन के नीचे से निकल के बह रहा है, ये देखिए गाइस, ये पानी ज़मीन के नीचे से निकल के आ रहा है और ये बह रहा है। ये देखिए गाइस, ये इधर से कहीं से जगह नहीं है मतलब पानी जिस कारण से रुके, तो ये पानी सीधे ज़मीन के नीचे से निकल के और ये खेतों को ये नुकसानी पहुंचाता है। ये देखिए गाइस, ये पूरे ये भी एक खेत है, इसमें पूरा पानी छी बह रहा है, तो इसमें फसल क्या होगी गाइस, आप ही बताइए। इसमें फसल होने की कोई संभावना नहीं है ना गाइस। आता हूँ अभी हमारे गाँव का ट्यूब वेल, जिसको कहते हैं हम गाँव की भाषा में बोरिंग, मतलब बोर जो होता है ये देखिए गाइस, इतना हल्का सा ही मारने से ये देखिए पानी आप कितना तेज गिर रहा है, मतलब पानी इतना ज़्यादा हो चुका है कि पानी बहुत ज़्यादा हो चुका है, जिसके कारण से पानी कहीं से भी निकल जाता है। देखिए गाइस, सभी खेतों की यही कंडीशन है, सभी खेतों में यही समस्या है। ये वाला खेत देखिए गाइस, इसमें भी वही कंडीशन है, इसमें भी पूरी जो फसल है वो कोई कुछ भी ग्रोथ नहीं कर रही है, फसल की जो भी ग्रोथ है गाइस वो पूरी रुक चुकी है अपनी जगह पे। गाइस अगर आज का वीडियो देखने में अगर आपको मज़ा आता होगा तो चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। गाइस पूरी फसल पूरे किसानों को कितना नुकसान होता है गाइस, और किसान अपना दिन रात की मेहनत करके खून पसीना की कमाई से ये फसल को लगाता है और उसके बाद भी ये कंडीशन रहती है खेतों की, तो बहुत दर्द होता है गाइस किसानों को। पूरी फसल बैठ चुकी है पानी ज़्यादा होने के कारण। देखिए गाइस, मैं दिखाता हूँ आपको पपीते के पेड़, ये लगाया गाइस, बहुत बड़ा है ये, इस पे से पपीते निकलते हैं और वो वहाँ पे लगे हैं केले के पेड़, और ये यहाँ पे है गाइस थोड़ा सा गन्ना। हमने एक खड्डा खुदवाया है, जी है गाइस, अभी हमारे छोटे छोटे पेड़ पपीते के, ये अभी बड़े होंगे, और ये लगाया हमारा अदरक, इतनी जगह में लगाया गाइस अदरक। इसमें भी वही कंडीशन है, पानी ज़्यादा गिरने के कारण से ये भी धीरे 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 करके गलना स्टार्ट हो गया। ये लगे हैं गाइस और हमारे पपीते के पेड़, ये है एक ये है और वो है, मैंने टोटल गाइस पूरे 40 पेड़ लगाया हूँ। जी देखिए, ये अभी ये वाला पेड़ जो है गाइस, ये भी पपीते का है, मैंने इसको उसके स्थान से निकाल के इसको दूसरे स्थान पे लगाया था, पर ये अभी गाइस ये पूरा वो हो चुका है, कुमला गया है धूप के कारण से, इसमें पानी गिरेगा तो ये फिर से उल जाएगा। ये लगे हैं गाइस हमारे केले के पेड़, अभी इसमें भी अभी केले लग चुके हैं, अभी इसमें
तोता वगैरह खा लेते हैं गाइस, चूहा चढ़ के पेड़ पे चढ़ के खा लेते हैं, तो इसके कारण से इसको ऐसा लगा देते हैं, तो जिससे वो नुकसान नहीं पहुंचाते गाइस। देखिए गाइस, ये केले की पूरी फल्ली है, इसको हमारी गांव की भाषा में पूरी फल्ली बोलते हैं। ये पेड़ यहाँ से टूट के और ये पेड़ गिर गया है, इसमें ज़्यादा वजन होने के कारण से ये टूट गया है। ये देखिए गाइस, कितने बड़े बड़े केले, ये वाले फल गाइस इनको बोलते हैं सीताफल। तो ये अभी लगना स्टार्ट हो चुके हैं, ये सावन के महीने में निकल जाते हैं, पक जाते हैं, पर लेकिन अभी नहीं पके हैं गाइस, अभी थोड़ा टाइम है इनमें पकने में, अभी थोड़ी दिनों के बाद ये पक जाएंगे। ठीक है गाइस, आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो फिर से बोल रहा हूँ गाइस दोबारा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो फिर से बोलता हूँ मैं कि चैनल में नए हो तो लाइक करें, चैनल में नए हो तो फिर से सब्सक्राइब करें गाइस। ठीक है गाइस, फिर मिलता हूँ आपसे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए धमाकेदार वीडियो के साथ। ओके गाइस, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।